भाजपा ने तो प्रधानमंत्री का पोस्टर लगा के घुमाया और प्रधानमंत्री से आक्रोशित है जनता, इसके खिलाफ में इतनी बड़ी जीत। बिहार की महान जनता ने तेजस्वी यादव पर विश्वास किया है, उनकी विश्वसनीयता बड़ी है, बिहार ही नहीं पूरे देश में, ये दावे के साथ मैं कह रहा हूँ। और उसी का जनादेश है बोचहां विधानसभा चुनाव का रिजल्ट। बोचहां उपचुनाव में आरजेडी के उम्मीदवार अमर पासवान जी की बहुत ही बड़ी जीत हुई है। आप देख रहे हैं ये अमर पासवान जी का पंडाल लगा हुआ है, अमर पासवान जी अपने पंडाल में आ चुके हैं, जीत की घोषणा हो चुकी है। करीब 36,000 वोट से अमर पासवान जी जीते हैं। बहुत उत्साह है आपको आरजेडी के समर्थकों के बीच में, अमर पासवान जी जीते हैं। ये बहुत बड़ा मैंडेट आया है, बहुत बड़ा ये संदेश देश के लोकतंत्र के लिए आया है। भाजपा की यहाँ पे करारी हार हुई है, करीब 35 मंत्री यहाँ पे लगे हुए थे लेकिन फिर भी भाजपा यह सीट नहीं जीत पाई है। ये बहुत बड़ा संदेश देश के जनता को मिला है। आप देख रहे हैं बहुत बड़ा जन समर्थन है यहाँ पर, अमर पासवान जी के समर्थन में लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। बहुत बड़ा मैंडेट मिला है ये। हाँ, हमारे सामने है पूर्व मुखिया अनिल यादव जी, हमसे जानेंगे इस चीज का क्या मायने है। A to Z की जीत है, A to Z की जीत है, 36,000 से ऊपर से जीत हुई है। बिल्कुल 36,763 वोटों से जीत है। क्या मैंडेट है देश की जनता को, क्या संदेश है? बिल्कुल पूरे देश में ये मैसेज चला गया है, बिना लालू यादव के अब नहीं चलेगा, A to Z की पार्टी। लालू यादव का मैजिक चला है क्या? बिल्कुल चला है और A to Z का भी चला है। भाजपा के 35 विधायक क्षेत्र में प्रचार कर रहे थे, 3500 पंचायत में। 35 विधायक नहीं, 35 पंचायत में 3570 विधायक और 7 सांसद और कितने केंद्रीय मंत्री, सबको जवाब मिल गया। टोटल A to Z की जीत हुई है, ये बोचहां की जनता की जीत है। बोचहां उपचुनाव में आरजेडी की जो जीत हुई है ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मैसेज है पूरे देश के लोकतंत्र के लिए, खासकर भाजपा के लिए। भाजपा ने यहाँ पे 35 विधायक उतारे थे प्रचार के लिए, सांसद उतारे थे, केंद्रीय मंत्री उतारे थे, लेकिन जनता ने सभी को नकारते हुए सहानुभूति वोट दिया है, अमर पासवान जी को जिताया है। अमर पासवान जी पूर्व विधायक मुसाफिर पासवान जी के सुपुत्र हैं, VIP से पहले उम्मीदवार बन के आए लेकिन अंत समय में VIP NDA से अलग हुई और इनका टिकट कट गया और इन्होंने लालटेन का दामन थामा और लालटेन से जीते हैं। बहुत बड़ी जीत है, 36,763 वोट से जीते हैं, बहुत बड़ा मैंडेट है। आप देख रहे हैं ये जनसमूह एक परिवर्तन का जनसमूह है, भाजपा के मोनोपोली को खत्म करने का जनसमूह है। हम और भी कार्यकर्ताओं से बात करेंगे के प्रवक्ता जयशंकर यादव जी, हम इनसे बात करेंगे। सर, इस जीत का क्या मायने है? ये बोचहां की जनता का जीत है। जो महंगाई है, भ्रष्टाचार है और बेरोजगारी है, उसके खिलाफ बोचहां की जनता ने वोट के चोट से केंद्र सरकार और राज्य सरकार को बताने का काम किया है कि आपका तानाशाही नहीं चलेगा। और युवा चेहरा पर बोचहां की जनता ने भरोसा किया, अमर पासवान पर और तेजस्वी जी के A to Z नारा पर भरोसा किया। कहां भाजपा, कहां पिछड़ गई भाजपा? क्या कोई एजेंडे नहीं है? देश तोड़ने वाली पार्टी है, महंगाई बढ़ा दिया, आग लगा हुआ है, डीजल का दाम देखिए, पेट्रोल का दाम देखिए, रसोई गैस का देखिए, सब में आसमान छुए हुआ है, तो जनता त्रस्त है। तो क्या ये जो मैंडेट मिला है बोचहां का, ये देश को संदेश है कि भाजपा आप संभल जाइए? पूरे देश और प्रदेश दोनों का संदेश है,
अब बचा की जनता ने कनाठी दिया है कि जल्दी सुधारिए, न तो 24 में आप गद्दी खाली कीजिए, देश की जनता आने वाली है, दिल्ली पर कब्जा करने वाली है। हमारे सामने हैं अनिल राम जी हैं, अति पिछड़ा और ये अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं, प्रदेश महासचिव हैं। हम इनसे जानेंगे इस जीत के क्या मायने हैं। आज जो जीत हुई है ये बेरोजगारी महंगाई इसकी जीत है कि जो बेरोजगारी सरकार द्वारा है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, इसके खिलाफ में बोचहा के जनता ने नीतीश कुमार को नकार दिया। भाजपा ने 35 विधायक और सांसद और केंद्रीय मंत्री उतारे थे, फिर भी बेबी कुमारी 40,000 वोट भी नहीं ला सकी, क्या कहना है इसके बारे में? भाजपा ने तो प्रधानमंत्री का पोस्टर लगा के घुमाया और प्रधानमंत्री से आक्रोशित है जनता, इसके खिलाफ में इतनी बड़ी जीत। मतलब ये जीत जो है वो बेबी से नाराज है लोग, प्रधानमंत्री से नाराज है? प्रधानमंत्री बेबी कुछ नहीं है, बेबी तो काम करता है, प्रधानमंत्री से नाराजगी है जनता के और नीतीश कुमार से नाराजगी है। बेरोजगारी, दवाई, सिंचाई, किसान की हालत, बेरोजगारी की हालत, पेट्रोल महंगाई, इस सब पर जनता का आक्रोश हुआ, इसके कारण इतनी बड़ी जीत। हमने है युवा राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव राजू जी। राजू जी, बड़ी जीत हुई है, 36,763 अमर पासवान जीते हैं, ये जीत के क्या मायने हैं? जी देखा जाए, जनहित की तमाम समस्याओं सहित सामाजिक न्याय की लड़ाई को माननीय नेता तेजस्वी यादव जी जिस तरह सड़क से सदन तक लड़ रहे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बिहार ही नहीं पूरे देश में उनकी विश्वसनीयता बढ़ी है। और दूसरी तरफ जिस तरह सवर्णों को भी मान सम्मान देने का काम किया है, इससे इस जीत में और चार चांद लग गया है और वो चाहा कि महान जनता ने भारी संख्या में वोट देकर इनको जिता दिया है। क्या फैक्टर रहा आपको काम इस जीत का, इसमें किस फैक्टर ने ज्यादा मदद किया? जी, संवेदनहीन निकम्मी सरकार से बिहार की जनता उब गई है, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, स्वास्थ्य, शिक्षा, सारी इस सरकार में चौपट है, इनकी सारी योजनाएं फेल हैं, इसलिए बिहार की जनता ने इस निकम्मी सरकार को करारा तमाचा मारने का प्रयास किया है। और यह संदेश है इन लोगों के लिए कि आने वाले समय में माननीय तेजस्वी यादव जी को बिहार की गद्दी पर बैठने से कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। मुकेश सहनी जी का फैक्टर काम किया है कैसे? जी नहीं नहीं, इस लड़ाई में कोई कहीं नहीं है, वो 2-3 नंबर की लड़ाई लड़ रहे थे आपस में, हमारी लड़ाई किसी से नहीं थी, बिहार की महान जनता ने तेजस्वी यादव पर विश्वास किया है, उनकी विश्वसनीयता बढ़ी है बिहार ही नहीं पूरे देश में, ये दावे के साथ मैं कह रहा हूँ, और उसी का जनादेश है बोचहा विधानसभा चुनाव का रिजल्ट। हमारे सामने हैं भूमिहार समाज के ब्रजेंद्र शर्मा जी, इन्होंने बैनर पोस्टर लगाकर बेबी कुमारी जी का विरोध किया था, जबकि जदयू के सक्रिय कार्यकर्ता भी रहे हैं, आखिरकार क्या कारण था कि इन्होंने बेबी का विरोध किया और आज परिणाम सबके सामने है, अमर पासवान जी 36,000 वोट से जीते हैं। हम इनसे जानेंगे कि क्या वजह थी कि बेबी का विरोध इनको करना पड़ा। पहले तो हम बोचहा की जनता को बधाई देना चाहते हैं, जो युवा उम्मीदवार अमर पासवान को भारी मतों से विजय दिलवाने का कार्य किया है। उसके बाद आपने जो कहा बेबी जी का कुमारी का विरोध मैंने क्यों किया, तो वो उनका जो पिछला, जो मैं पीछे भी कहता आया हूँ, उनका जो पिछला 5 साल का कार्यकाल रहा वो पूरा लूट खसोट का कार्यकाल रहा। वो जिस राम के नाम पे इस बार वोट मांगने आई, मंदिर मंदिर घूम रही थी, उस राम के काम में भी हमारे मुसहरी प्रखंड के रहुआ मठ, मनिका मठ, छपरा मठ, इस सब में काम हुआ, सब में एडवांस कमीशन लिया गया, जिसके कारण हम लोग के अंदर बहुत क्षोभ और आक्रोश था, जिस आक्रोश को हमने इस बार पूरा जोश के साथ उनको हराने में हम लोग को मदद किया वो आक्रोश, और बेबी जी बुरी तरह हारी है। ये जो लड़ाई थी, ये बेबी कुमारी वर्सेस अमर पासवान था कि आरजेडी वर्सेस बीजेपी? नहीं नहीं, बेबी ये दलों के दलदल से ऊपर उठकर इस बार प्रत्याशी के ऊपर चुनाव था, और अमर पासवान पढ़ा लिखा और बहुत ही समझदार इंसान है, हम लोग जानते हैं, जो इसके पास कोई कमी नहीं है, ये न कमीशन खाएगा न कुछ होगा, बचा की जनता की भला करेगा, इसलिए हम लोग युवा को समर्थन किए हैं। बेबी का 5 साल देखा था हम लोगों ने, अब 3 साल का समय अमर पासवान को भी दिया जाए, जो बचा में क्या करते हैं। आप एनडीए से जुड़े रहे हैं, जदयू के
आप सवर्ण प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष भी रहे। हाँ, सवर्ण प्रकोष्ठ के भी रहे। बेबी जी आइए, फिर भी अमर पासवान का समर्थन। हमने लगातार एनडीए के अपने शीर्ष लोगों को लगातार आह्वान करता रहा, इस बार प्रत्याशी बदलिए। अगर बेबी को छोड़ के यहाँ पे कोई भी अदना सा कोई भी अगर प्रत्याशी आ जाता, दिल्ली का स्वयं सेवक आ जाता जो इस ST समाज से आता है, दिल्ली से आकर अगर यहाँ लड़ जाता तो वो जीत जाता, लेकिन बेबी जी को यहाँ जीतना बहुत मुश्किल है। और यही हाल अगर लोकसभा चुनाव में अगर उम्मीदवार बीजेपी नहीं बदली, अजय निषाद को नहीं बदला, तो इस बार 2024 में मुजफ्फरपुर सीट भी लूज करेगा। कहीं ना कहीं आपने अजय निषाद जी की चर्चा की है, क्या मलाह समाज अजय निषाद से नाराज था? वो तो आप देख ही लिए, वोट से आप लोगों को पता चल गया होगा, 30,000 वोट। हम लोग के यहाँ रहुआ पंचायत से मैं आता हूँ, वहाँ पे बेबी जी 3 नंबर पे रही हैं, 1 नंबर पे अमर पासवान, 2 नंबर पे VIP और 3 नंबर पे, यही हाल कमोबेश सब जगह। सनी क्या इसमें मतलब एक बड़ा फैक्टर बना? हाँ, बहुत बड़ा फैक्टर। इन्होंने जल्दीबाजी में एनडीए शीर्ष नेतृत्व ने फैसला लिया, और जैसे उनके विधायक को अपने में लिया, उनको मंत्रिमंडल से हटाया, उस कारण ये अभी बहुत आक्रोश हुआ, और मुकेश सहनी के कारण भी फायदा हुआ है अमर पासवान को।